आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च का निर्धारण किया। एडीएम वित्त ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान उपयोग होने वाले वस्तुओं का मानक रेट तय किया गया, साथ ही आगामी चुनाव में प्रत्याशियों को अपने खर्चे का पूरा विवरण उप जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इसको 1800 कर देते सुमो बोलेरो नहीं है, आपको पूरा उसका इंश्योरेंस बकायदा उसकी आरसी फिटनेस परमिट सब सबमिट करना पड़ता तो वैसे पता चलेगा आपका व्यक्तिगत है। अभी फाइल हम लोग फॉर्च्यूनर एंडीवर और इनोवा ना 2600 रुपए प्रतिदिन नहीं होगा। वैन पिकअप मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ये सब एक ही में सम्मिलित कर दिया, 1000 रुपए प्रतिदिन। एक्चुअली और ईंधन लिखा था, मुझे लगता है ईंधन के साथ रहा होगा इतना पैसा। लिख देंगे 1000 तेल और वो किराया सब वो बढ़ जाएगा, कमीशन बढ़ा देगा, वो मानेगा ही नहीं। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, आगामी निर्वाचनों में व्यय का निर्धारण किया गया है आज कि किस आइटम के लिए क्या मानक रेट रहेगा। भविष्य में जो चुनाव होने हैं उनमें जो राजनीतिक दलों के या निर्दल प्रत्याशी जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसको अपना व्यय का विवरण देना होगा और उस व्यय का आकलन करने के लिए आगणन करने के लिए उसके पास एक मानक होना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जितनी भी वस्तुएं होती हैं जैसे झंडा बैनर कटआउट स्वागत द्वार कुर्सी मेज पंडाल बल्ली सबकी एक दरें निर्धारित की जाती हैं और दर निर्धारण में जनपद के जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो भी व्यक्ति सम्मिलित होना चाहे उनकी सहमति से और सबकी सहमति से दर निर्धारित किया जाता है।